हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज का हमारा टॉपिक है पावर मेजरमेंट बाय टू वाट मीटर मेथड। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लास्ट वीडियो में मैंने तीनों मीटर के बारे में डिटेल में समझा दिया था, लेकिन इस न्यूमेरिकल के इस क्वेश्चन को फिर से करने के पीछे रीजन यही है कि आप में से कुछ स्टूडेंट का ऐसा कमेंट था कि सर अब टू वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर कैलकुलेशन भी समझाएं। तो स्टूडेंट, SSC JEE के सब्जेक्ट पेपर का क्वेश्चन है, साथ में अगर आप में से कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो स्वाभाविक है ये आपके मेन पेपर के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया जो आपके सामने है, हाउ विल यू मेजर द पावर इन 3 फेज AC सर्किट व्हेन बैलेंस लोड इज कनेक्टेड। आप सब जानते हैं टू वाट मीटर मेथड बैलेंस और अनबैलेंस दोनों टाइप के लोड के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने यहाँ बैलेंस लोड लिया, यानी बैलेंस लोड में मैं टू वाट मीटर मेथड यूज करके 3 फेज स्टार सर्किट का पावर मेजरमेंट कर रहा हूँ। W1 W2 2 मीटर है, जिसके करंट कॉइल को मैंने RYB में से किसी दो के बीच में कनेक्ट कर लिया और थर्ड वाले से मैंने अपने पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट कर लिया। यानी R और B के बीच में W1 का पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड है और Y और B के बीच में W2 का पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ IR, IY और IB तीनों लाइन करंट है। स्टार में लाइन और फेज करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी करंट इन वाटमीटर फर्स्ट यानी W1 की बात कर लूं मैं तो इट्स वैल्यू इज IR, और अगर वोल्टेज की बात कर लूं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लूं W1 मीटर का, तो R और B के बीच मैंने पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करा था, इसलिए मैं इसके वोल्टेज को VRB बोल दूंगा। यानी VRB इज द पोटेंशियल अक्रॉस W1 वाटमीटर। तो VRB को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, VRB को हम VRN माइनस का VBN लिख सकते हैं, क्योंकि VRB VRN और VBN का वेक्टर सम होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से VRB को हम VRN माइनस का VBN लिख सकते हैं। ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मैं स्टार एनालिसिस के बारे में डिटेल में बताया हूं, तो किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को भी देख लें। तो यहाँ W1 की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज इंटू करेंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करेंट, यानी VRN माइनस VBN इंटू IR। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मेंशन कर लिया। सिमिलरली वॉट मीटर 2 में स्टूडेंट करंट कॉइल हमने कनेक्ट किया है Y से, तो इसमें करंट की वैल्यू होगी IY। स्टार में लाइन और फेज करंट की वैल्यू सेम होती है, तो IY को मैंने IY लिख दिया। मैं अगर वोल्टेज की बात करूं तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा Y और B के बीच में, क्योंकि मैंने करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल को Y और B के बीच में कनेक्ट करा है। यानी Y और B के वोल्टेज को V/B लिखूंगा और V/B समेशन होगा VYN और VBN के वेक्टर सम का, क्योंकि VIN और VBN दोनों के एकदम अपोजिट नेचर के हैं, तो VYN माइनस का VBN। इस तरीके से W2 वाटमीटर की रीडिंग हो जाएगी VYN माइनस VBN वोल्टेज इनटू करंट IY। स्टूडेंट, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जो मैंने अभी जस्ट डिराइव करा था उसको मैं फेजर डायग्राम से समझता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट अब हम फेजर डायग्राम से इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। W1 वाटमीटर की रीडिंग की बात कर ले तो VRN माइनस VB1 इनटू IR करंट। यहाँ स्टूडेंट हम IR करंट और VRB यानी VRN और VBN के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यानी VRN और VRB के बीच का जो एंगल था वो सिर्फ 30 डिग्री था और ये एंगल 30 डिग्री था। IR करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, हम सबको पता है, और या तो करंट लैग करता है या फिर करंट लीड करता है। ये एंगल फाई है स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 माइनस का फाई, एंड ये एंगल कल आएगा 30 माइनस का फाइव। इस तरीके से स्टूडेंट हमने W1 के रीडिंग में लिख लिया VRB माइनस इंटू IR इंटू कॉस 30 माइनस 5। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 यानी वॉट मीटर के 2 के रीडिंग को अगर एनालाइज करें हम, तो VY1 और VBN को हम VY2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ हम इन दोनों के वेक्टर सम से समझ सकते हैं, साथ में IY करंट जो होगा वो IY करंट और VRB के बीच का जो एंगल होगा वो 30 प्लस 5 होगा। जहां यहाँ 30 माइनस 5 होता था वही यहाँ इन दोनों के बीच में करंट, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में करंट कौन सा IY और वोल्टेज कौन सा VY2 के बीच का एंगल 30 प्लस 5 है स्टूडेंट। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा VY2 IY cos 30 प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को मैंने मॉडिफाई करके इक्वेशन 3, 4 के फॉर्म में बना दिया। अब हम सब जानते हैं स्टार कनेक्टेड में VRB को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं और डेल्टा स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जनरल 3 होता है फेज वोल्टेज का। मीन्स मैं VRY VYB और VRB को लाइन वोल्टेज बोलूंगा और डेल्टा और स्टार कनेक्शन में स्टूडेंट लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी IR IY IB ही लाइन करंट की वैल्यू है।
तो स्टूडेंट मैं इक्वेशन 3 और 4 को मॉडिफाई कर रहा हूँ। W1 की वैल्यू VRV इनटू IR cos 30 माइनस 5 थी, VRV की जगह पे मैंने VA लिख दिया और IR की जगह पे IL यानी लाइन करंट लाइन वोल्टेज लिख दिया, तो W1 की वोल्टेज वैल्यू हो गई VL IL cos 30 माइनस 5 और W2 का वैल्यू हो जाएगा VL IL cos 30 प्लस 5। मैं फिर से बता रहा हूँ, cos 30 माइनस 5 एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है R और RV के बीच का। तो टोटल पावर इन थ्री फेज वॉट मीटर क्या होगा स्टूडेंट, W1 प्लस W2, W1 का वैल्यू लिख दिया, W2 का वैल्यू लिख दिया और VL IL कॉमन हो गया दोनों में स्टूडेंट, cos A माइनस B, cos A प्लस B, cos A माइनस B की वैल्यू होती है cos A cos B प्लस का sin A sin B, जबकि cos A प्लस B की वैल्यू होती है cos A cos B माइनस का sin A sin B। यहां से दो वैल्यूज कट जाएंगी, sin 30 sin 5 प्लस का और sin 30 sin माइनस का कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 30 cos 5 इनटू VL IL। स्टूडेंट cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल पावर इन थ्री फेज एसी सर्किट हो गया अंडर रूट 3 VL IL cos 5। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टार कनेक्टेड लोड हो या डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, अगर मैं पावर की बात करूं तो थ्री फेज पावर अंडर रूट 3 VL IL cos 5, जहां VL IL लाइन वोल्टेज लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट हम पावर फैक्टर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए हम समझ लेते हैं कि cos 5 की वैल्यू कितनी होगी बाय यूजिंग टू वॉट मीटर मेथड। W1 प्लस W2 हमने लिख दिया अंडर रूट 3 VL IL जस्ट अभी कैलकुलेट किया, अब हम W1 माइनस W2 कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो W1 की वैल्यू लिख दिया, W2 की वैल्यू लिख दी, VL IL कॉमन है, cos A माइनस B, cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस का cos A प्लस B, तो cos A cos B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin A प्लस sin A sin B। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ cos 30 प्लस 5 माइनस या cos 30 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा VL IL 2 sin 30 sin 5 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो W1 माइनस W2 का वैल्यू हो गया VL IL sin 5 इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 7 और 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7, तो इस तरीके से W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 यानी VL IL sin 5 अंडर रूट 3 VL IL cos 5, यहाँ VL IL कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा sin 5 cos 5 और sin अपॉन cos होता है 10, तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा स्टूडेंट W1 माइनस का W2 अपॉन W1 प्लस का W2 इक्वल टू 1/√3 इनटू 10 5, और यहां से अंडर रूट 3 को मैं यहां भेज दूं तो 10 5 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। मैं फाइनली 5 का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स अंडर रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। आपके क्वेश्चन में आपको पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी यानी cos 5, जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, cos 5 का वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी cos 10 इनवर्स अंडर रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो दिस इज द कॉल्ड द पावर मेजरमेंट बाय टू वॉट मीटर मेथड इन स्टार कनेक्टेड लोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, साथ में न्यूमेरिकल भी आ चुका है, तो न्यूमेरिकल में आपको W1 W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सिमिलरली पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आए, अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।